मुंब्रा शहर का सबसे बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेडफोर्ड, लोगों की जरूरत को नजर रखते हुए मेडफोर्ड ने हर फैसिलिटीज उपलब्ध कराई है। 6 ओपीडी, 4 ओटी और 24 घंटे कैजुअलिटी फॉर इमरजेंसी। इस 60 बेडेड हॉस्पिटल में आपको 5 स्टार जैसी फैसिलिटीज मिलेगी, वो भी अफोर्डेबल कॉस्ट में। 6 डिलक्स, सेमी डिलक्स और स्वीट रूम्स टीवी और वाईफाई के साथ उपलब्ध किए गए हैं। मुमरा की नशे की समस्या को ध्यान में रखते हुए यहाँ रिहैबिलिटेशन सर्विसेज भी अवेलेबल की गई है। हॉस्पिटल की ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर कॉन्टेक्ट करें। एमएम वैली परिसर में स्कूटी पर सवार 4 नाबालिगों ने की स्टंटबाजी। 13 वर्षीय नाबालिग की टूटी टांग, हुआ बुरी तरह जख्मी। बेवा मां की बच्चे की मदद के लिए अपील। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। अक्सर हम आपको मित्तल एमएम वैली रोड पर की जाने वाली मोटरसाइकिल, स्कूटी और कार द्वारा स्टंटबाजी, इसकी खबरें बताते रहते हैं कि कैसे युवा, बच्चे, नौजवान यहां पर आकर के स्कूटी पर, मोटरसाइकिल पर, बुलेट पर, कई अलग अलग तरह की मोटरसाइकिलें आती हैं उन पर और कार में भी स्टंटबाजी करते हैं। यह स्टंटबाजी क्यों कर खतरनाक है, तो देखिए उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण अब सामने आया है। 13 साल का इरशाद है, ये मुमरा अमृत नगर परिसर में ही रहता है। एमएम वैली साइकिल चला रहा था, उस दौरान 4 अन्य नाबालिग बच्चे स्कूटी पर सवार, जुपिटर स्कूटी है उस पर सवार ये बच्चे आते हैं और साइकिल चलाते हुए इरशाद के साथ छेड़खानी करने जाते हैं, उसको पीछे से सिर में मारते हैं। इस दौरान मार भी लगती है, इरशाद भी गिरता है, स्कूटी पर सवार ये चारों बच्चे भी गिरते हैं। चारों बच्चे तो बच जाते हैं मगर इरशाद जो है इस टकराव में बुरी तरह से घायल होता है। सावधानी बरतते हुए हम इरशाद की क्या हालत है वो आपको बता रहे हैं, उसके एक्सरे हम आपको बताएंगे। हड्डी टूट चुकी है पैर की उसकी और एक उंगली भी मुड़ चुकी है। अब ऐसी हालत में आप बताइए, जो 4 बच्चे, नाबालिग बच्चे स्कूटी पर सवार होकर के एमएम वैली परिसर में लहराते हुए चल रहे हैं, इस तरीके से साइकिल चलाने वाले बच्चे को मारने जा रहे हैं और टक्कर मार दे रहे हैं, इतनी बड़ी दुर्घटना कर दे रहे हैं। अब इन बच्चों के माँ बाप ने इस घायल बच्चे के माँ बाप से कहा, कलवा शिवाजी अस्पताल में आप भर्ती कराइए, जो भी खर्च रहेगा हम मिल करके दे देंगे। कुछ पैसा उन्होंने दिया और उसके बाद वो लापता हो गए। दरगाह परिसर से सटे हुए पाकिजा चौल में एक बच्चा इसमें से रहता है, उसके माँ बाप वहीं रहते हैं। ये हमारी लापरवाही, हमारे बच्चे स्कूटी ले रहे हैं, बाइक ले रहे हैं, उम्र नहीं है, हम उन्हें चलाने दे रहे हैं, वो ऐसे में दुर्घटना कर बैठ रहे, खुद का नुकसान, दूसरे का नुकसान। अब ये बच्चा 13 साल का इरशाद, इसके पिता जो है, इसके वालिद का जो है इंतकाल हो चुका है, निधन हो चुका है और माँ घरों में काम करके इसका और अपना खुद का गुजारा करती है। रहमानिया अस्पताल में लाया गया है, माँ से हमारी बात हुई है, इनके एक पारिवारिक इनके परिचित हैं, फहीम भाई करके, फहीम सैयद, तो इनसे भी हमारी बातचीत हुई है, इन्होंने क्या जानकारी दी पूरी इस दुर्घटना को लेकर। दुर्घटना जो है वो 24 अप्रैल की है, सोमवार की है और उस वक्त बिलाल अस्पताल में एक वीडियो बनाया गया था दुर्घटना जिस स्कूटी चालक लड़के ने की थी उसका, तो इस बच्चे की भी पहचान गुप्त रखते हुए क्या बातचीत वहां पर हुई, कैसे हुई, वो भी हम आपको इसमें दिखा रहे हैं और देखिए कि कितना जरूरी हो गया है मित्तल एमएम वैली का ये रोड जिस पर स्टंटबाजी होती है, तो जहां पर प्रतिबंध लगने चाहिए। न सिर्फ प्रशासन की ओर से, माँ बाप को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, बड़ों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। वहां के स्थानीय लोग तो अक्सर इस पर बात करते ही हैं, लेकिन शहर के कई हिस्सों के, कई इलाकों के बच्चे यहाँ पर मोटरसाइकिल राइडिंग करने आते हैं, कई वीडियोज हम आपको दिखा चुके हैं, तो सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए और अपने नाबालिग बच्चों को मोटरसाइकिलें, स्कूटी कुछ भी न दे। अंत में आपको ये भी बता दें कि इस खबर में हम इरशाद जो इसमें बुरी तरह से घायल हुआ है उसका ऑपरेशन वगैरह करना पड़ेंगे, रहमानिया में उसका 1.5 लाख का खर्च बताया गया है, शिवाजी अस्पताल में भी जो है इसका इलाज हो सकता है, कम पैसे लग सकते हैं, तो जो भी उनकी मदद करना चाहते हैं, जीपे का नंबर दिया जा रहा है, उनकी मदद करें, इरशाद की माँ की मदद करें। एक बेवा औरत है और खुद मुख्तार है और कुछ घरों का काम करके गुजारा करती है, मदद की जो है हकदार है, मुस्तहिक है, डिजर्विंग है, तो इरशाद की माँ की मदद करें। क्या नाम है तेरा? इरशाद। अच्छा, ये चोटें आई है आपको, कैसे आई है और कब आई, कहाँ पे आई थी? मैं अपना साइकिल को मुड़ा रहा था तो वो लोग स्पीड में थे, इसके लिए मेरे को ठोक के ऐसा पीछे से मारे गिरा दिए सीधा,
फिर गिराया और ऊपर से और दूसरी बाइक आके चार लोग एक बाइक पर बैठे थे उसने मारे, फिर उसके बाद अलावा कुछ पाले नहीं उनको। अच्छा उन लोग ने मारे, तो जानते हो वो लोगों को? नहीं मैं किसी को नहीं जानता हूँ। तो कहाँ पे हुआ ये? एम्बोली ये स्टेडियम के सामने। एम्बोली के स्टेडियम के सामने। अच्छा कितने बजे हुआ था और कब हुआ है? 4 बजे के करीब हुआ था। कब कब काज हुआ, कल हुआ, कब हुआ? कल 4 बजे। कल 4 बजे दोपहर में 4 बजे। चोटे कहाँ कहाँ आई है? सर पे आई है पीछे साइड, हाँ थोड़ी सी सर पे, हाँ। हाथ पे इधर आई है, हाँ इधर पूरा पैर टूटा है, हाँ और इधर तो मुंह पे पूरा, मुंह पे पूरा फ्रैक्चर। ठीक भाई, क्या नाम है आपका? सैयद अब्दुल फहीम। सैयद भाई, ये क्या हादसा हुआ है, किस तरीके का ये एक्सीडेंट था पूरा? हमारा बच्चा है, एमएमविली में साइकिल चला रहा था, तो ये पीछे से 4 जन आए, वो चला रहा था और वे देखने वालों ने बोले, हम लोग ने देखे नहीं, देखने वालों ने बोले कि उसको कोई ने चमाट मारा पीछे से, और चमाट मारने के तो हम लोग भी गिर गए, ये भी गिर गए। बच्चा आपका साइकिल चला रहा, हाँ, और जो 4 जन थे वो बाइक पे थे, एक बाइक पे थे। हाँ कौन सी बाइक? अब वो तो बताए नहीं, जुपिटर ऐसी कोई बाइक थी। हाँ देखने वालों ने ऐसा बताया। तो जब आप उधर पहुंचे तो वो बाइक चलाने वाले उदर, बच्चे उधर मौजूद थे? उधर हम लोग नहीं पहुंचे, उधर के जो लोग थे ना, तो हम लोग ने उसको बिलाल हॉस्पिटल में लेके गए। अच्छा, बिलाल हॉस्पिटल में लेके जाने के बाद में वो चारों बच्चे वहाँ पे भी आए, बिलाल हॉस्पिटल में भी आए, उनके माँ बाप भी आए। तो उन्होंने बोले भाई भाई पुलिस कंप्लेंट मत करो, जो रहेगा हम लोग खर्चा पानी जो भी रहेगा हम लोग तुम्हारे बच्चे को करा के इलाज करा के दे देंगे। हम लोग बोले ठीक है, ओके चलेगा। फिर उसके बाद में हम लोग बोले कि इधर का खर्चा बहुत है, हम लोग अप्रूव नहीं कर सकते, तुम उनको कलवा लेके चलो। तो कलवा शिवाजी हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन वहाँ पे देखे तो वहाँ पे 1 महीने का प्रोसीजर बता रहा है। और ये हमारी भाभी है, हमारे दोस्त की वाइफ है। अब इनके जो इनका जो आदमी था उनका भी इंतकाल हो गया, अभी फिलहाल 6 महीना हो गया। अब इनके घर में उधर रहने हॉस्पिटल में रहने वाला कोई भी नहीं है, हॉस्पिटल में रहने वाला खाली उधर पे जेंट्स अवार्ड है, तो उसमें लेडीज़ को अलाउड नहीं है, तो उधर पे कोई जेंट्स भी नहीं है। और जिन लोग ने बोले कि हम कलवा में आ रहे हैं, आपको जो भी रहेंगे हम लोग दे देंगे, ठीक है। अब एक ने ये जो लोग आए थे, हाँ ये किधर के रहने वाले, इनका नाम ये क्या था? इन लोग है अपना इधर के पाकिजा। हाँ अपना पाकिजा। आप लोगों ने उनका नाम एड्रेस कुछ लिया था? नाम एड्रेस विड्रेस तो अभी वो उसके अब्बा का नाम मालूम है। क्या नाम था? नाम उसमें एक ही लड़के का नाम शायद ध्यान में, जिसने ठोका था उसका नाम शाहिद है। उसके साथ में 3 दोस्त लोग थे। अब वो तीनों दोस्त लोग का तो नाम मुझे पता नहीं, उन लोग का क्या नाम है। तो उन लोग भी आए, उन लोग बोले जो भी रहेंगे हम लोग करवा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन बाद में कलवा में देखे तो कोई भी आने को तैयार नहीं। फिर उसके बाद में एक ने कुछ 1,500 रुपया दिया, एक ने 2,000 रुपया दिया, और देने के बाद में आज सुबह से कोई भी दवाखाने में उधर कोई आया ही नहीं। फिर बाद में शाम में आने को बोले कि भाई देखो यहाँ पे इलाज हो रहा नहीं, 1 महीने का प्रोसीजर बता रहा है। तो हम लोग बोले कि भाई अभी क्या कर सकते हैं, ऐसा वैसा ये वो। तो हम लोग ने उनको रहमानिया में लेकर आ गए, रहमानिया हॉस्पिटल में लेकर आए, शिफ्टिंग किए। अब रहमानिया हॉस्पिटल में कुछ 1.5 लाख रुपये का कुछ बजट बता रहा है, दवा हुआ के साथ में, और 8 दिन का प्रोसीजर बता रहा है। तो वो 1 महीना और ये 8 दिन बहुत फर्क पड़ता है ना। तो वो और इनके घर में भी कोई रहने के लिए देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है, तो वो हिसाब से हम लोग यहाँ रहमानिया में लेकर आए। जैसे अभी आपने यहाँ रहमानिया में लेके आया, ना आपने पुलिस कंप्लेन की है, ना आपने वहाँ हॉस्पिटल में स्टेटमेंट दिया था क्या कुछ मेडिकल में? नहीं शिवाजी में स्टेट मुमरा के पुलिस वाले वहाँ पे आए थे, हाँ वहाँ पे स्टेटमेंट दिए। हाँ जब भी हम लोग को ये नहीं था, स्टेटमेंट में हम लोग ने यही लिखा है कि भाई अभी जो ठोकने वाले थे वो हम लोग को पता नहीं है, अभी तक पता नहीं, क्योंकि बच्चे लोग हम लोग के माँ बाप ने ऐसा बोले थे हम लोग को कि हमारे बच्चे लोग की लाइफ खराब हो जाएंगी। तो अभी ये जैसे 1.5 लाख का जो खर्चा अभी हाँ, रहमानिया में हाँ, बता रहा है, ये कौन करेगा? अभी वही मसला है कि अभी कौन करेगा। तो अभी बहन आपने आश्वासन पे उन्हें छोड़ दिया, ना आपने पुलिस कंप्लेन की है, और अभी आपके बच्चे का इस रहमानिया हॉस्पिटल में 1.5 लाख का खर्चा बता रहा है, तो अभी आप क्या चाहते? उन्होंने क्या बोले मेरे को कि पहले तुम हमारे बच्चे लोग के पास केस नहीं करना,
मैं जो भी खर्चा आऊंगा नहीं, मैं तुमको सब दे दूंगा, सब तुम्हारा बच्चा ओके करके भेज दूंगा, ऐसा बताया। चारों ने बोले बोला तो नहीं आ रहे अभी। अब बोले तो ना आ रहे नहीं। वो पुलिस केस करे ना, उनके पास जाओ पुलिस तो अभी। खुद मैं घर काम करने वाली, और मैं कहाँ से ला दी इतना इलाज का पैसा, और मेरा बेटा साइड से जा रहा था तो उसको ढक्कर टप्पो मार को गिरा को गए कि मेरा बेट साइड से जा रहा नहीं था, क्या तुमको कुछ उंगली कर रहा था। जो वो चार जन थे हा? उन चारों की उम्र क्या थी? उनकी उम्र 16-17 साल के होंगे, उन्होंने नाबालिग बच्चे। हाँ पत्ते जो उम्र छोटी है, एक तो बहुत ही छोटा 13-14-15 साल का भी नहीं होने। आपके बच्चे की उम्र क्या है? हमारे बेटे की उम्र 13 साल का है। 13 साल है। आप हमारे माध्यम से मुमरा पुलिस और जो आपकी इस खबर को देखेंगे उन लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं मदद मांग रही सबसे। मैं सैयद भाई, जैसे आपने बताया आपकी भाभी हैं और हॉस्पिटल का 1.5 लाख का खर्चा है, और आप लोगों ने जिन लोगों की वजह से यह हादसा हुआ है आश्वासन पे उन्हें छोड़ भी दिया है, तो अभी आप मुमरा पुलिस से क्या चाहते हैं? और ये जो हमारी खबर जहाँ जहाँ पहुँचेगी हमारे जो सब्सक्राइबर है उनसे आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ मुमरा पुलिस चौकी से कि भाई उन पे बच्चों पे जितना जल्दी उतनी जल्दी कार्रवाई हो जावे, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और आज के बाद में ये बच्चे इनका देख के कोई दूसरे नाबालिग बच्चे गाड़ी नहीं चलावे, उनके माँ बाप उनको गाड़ी की चाबी नहीं दे। और ये जो मसला जो चल रहा है अभी 1.5 लाख रुपए का, अभी इनकी इनकी कैपेसिटी नहीं है जो खर्चा कर सके ना, हमारी कैपेसिटी है। अभी वही है कि भाई हम लोग जो भी है और कोई अगर कुछ करना चाहता है तो हमारा जीपे नंबर है, उस पर आप लोग हेल्प कर सकते हो। कौन सी गाड़ी चला रहा था? कौन सी गाड़ी चला रहा था? जुपिटर। लाइसेंस वाइसेंस है? कितने साल का है? 16। कैसा ठोका उसको? मैं ना था स्पीड में। हाँ तो स्पीड में ही चलाएंगा तो तेको देख के ही लग रहा है। मैं स्पीड में था। हाँ तो डायरेक्ट ना मैं आज स्पीड में था, डायरेक्ट सामने आया, ब्रेक से कंट्रोल नहीं हुआ। अच्छा तो उसको लग गया। अब्बा को बुलाया ना? हाँ फोन मारा। क्या नाम है तेरा? शायद नाम है।